हेलो, वेलकम टू IMS। आज हम हमारा जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है उसके अंदर एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। अब जो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है अपना, मेनली दो सोर्स होते हैं ना, एक अंडरग्राउंड और एक सरफेस वाटर और एक अंडरग्राउंड, ठीक है। अपन उनके भी टाइप्स देखेंगे। सरफेस वाटर के अंदर सबसे पहले अपना लेक्स एंड स्ट्रीम्स। लेक्स एंड स्ट्रीम्स क्या होता है? लेक्स तो होते हैं एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होता है, ठीक है। लेक होता है लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होता है जो इम्प्रीवियस बेड के ऊपर होता है, ठीक है। इसका कैचमेंट एरिया थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसकी जो क्वालिटी वाटर होता है ना, वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये लेक इतना ज्यादा बड़े नहीं होते, तो ये जो अपना जो बड़ी सिटीज होती है ना, उनके लिए लेक्स का पानी काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि वो मेन सोर्स नहीं था उनका। जो बड़ी सिटीज होता है उनका मेन सोर्स होता है या तो कोई रिवर होती है या फिर अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। और स्ट्रीम्स होते हैं, स्ट्रीम होती है छोटी नालियां होती है एक तरह से, स्ट्रीम्स जो होती है छोटी नालियां होती है, ये मतलब इनमें रेगुलर बहता हुआ पानी वाली चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना पॉन्ड्स। पॉन्ड होता है जो अपने लेक जैसा होता है, पर थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा मतलब ज्यादा गहरा नहीं होता। ये इतना गहरा होता है कि जो लाइट होती है ना, वो पूरे पास होकर आपको तला दिख जाता नीचे, तो वो होता है अपना पॉन्ड। और ये पीने का नहीं होता, क्योंकि ये शैलो है और ये स्टिल वाटर है। जो ठहरा हुआ वाटर है वो ज्यादातर कभी साफ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है रिवर्स के अंदर। रिवर का पानी हमेशा बेहतर रहता है, तो मेरे हिसाब से है ना, जैसे जब शुरुआत से आता है ना पानी, जैसे अपने हिमालयों से या ऐसे ऐसे पहाड़ों से पानी आता है ना, वो एकदम साफ आता है, लेकिन रास्ते में जाते जाते डाल दो फिर वो कचरा, फिर कचरा हो जाता है पूरा पानी। लेकिन शुरुआत का पानी जो होता है वो एकदम बढ़िया होता है, पीने लायक होता है, लेकिन फिर आगे जाके था ना वो अपना खराब ही होता है सीधे। जैसे गंगा है, शुरुआत में कैसे आती है एंड में कैसे हो गई, वो चीज है, ठीक है। ये एक डायरेक्शन फ्लो होता है और इसका फ्लो ग्रेविटी के ऊपर होता है, डाउन हिल, मतलब ऊपर से नीचे बहता हुआ आता है पानी, ठीक है। और ये क्या है? हैबिट टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। अब ये जो होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है, रिवर वाटर जो होता है बहुत सारे प्लांट्स के लिए, मतलब जंगलों के लिए, वाइल्ड लाइफ जो अपने जो भी अपने जो एनिमल्स है उनके लिए बहुत जरूरी होता है रिवर वाटर, ठीक है। ये अपना होता है कि अपना तीन पार्ट हो गए सरफेस वाटर की। चौथा अपना है स्टोरेज रिजर्वायर्स। अब स्टोरेज रिजर्वायर्स क्या होता है? जैसे कि अपना कुछ ऐसी नदियां या फिर कुछ ऐसा होता है, मतलब एक तरह से तालाब होते हैं या कोई नदी होती है जो बारिश के टाइम में भरती है ना, लेकिन जैसे धूप होता है, क्या बोलते हैं, गर्मी आती है ना, वो सूखने लग जाती है, पूरी सूख जाती है। तो उनको स्टेबल रखने के लिए भाई वो पानी काम आए, वो एक तरह से हम एक डैम बना देते हैं कि भाई बारिश के अंदर पानी को रोक दिया है ना, और उसको भर लिया अच्छे से। अब फिर बाद में क्या करेंगे, बारिश में आए और पानी को बचा लिया और उस पानी को अपन ने गर्मियों में काम में ले लिया, तो वो होते हैं स्टोरेज रिजर्वायर्स, ठीक है। वो होते हैं डैम के अंदर होल्ड किए जाते हैं, और इसके अंदर जब भी काम में लेते हैं तो एक छोटा स्पिलवे खोला जाता है, जैसे गेट्स नहीं होते क्या डैम के, तो उसमें एक छोटा स्पिलवे खोला जाता है जो काम में लिया जाता है, ठीक है। इसमें गेट चेंबर कंटेन नेसेसरी वैल्यू ऑफ रेगुलेशन ऑफ फ्लो वाटर। ये नेसेसरी जितना ज्यादा जितना पानी चाहिए ना उतना ही पानी छोड़ता है, तो ये एक तरह से ये मैनमेड होता है ये पूरा, ठीक है। ये होता है स्टोरेज रिजर्वायर्स, ठीक है। अपना नेक्स्ट अपना चालू होता है, जो पहला था अपना सरफेस वाटर, नेक्स्ट अपना है अंडरग्राउंड सोर्सेज। अब अंडरग्राउंड सोर्सेज के अंदर अपने कई सारे टाइप्स के आते हैं, गैलरीज आती है, इन्फिल्ट्रेशन वेल्स आते हैं, बहुत सारी चीज आती है, तो अपन सब एक एक करेंगे, डायग्राम्स के ऊपर देखेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने डायग्राम्स बनाए इसके। सबसे पहला आता है इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज। इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज में ऐसा होता है कि ये अपनी एक गैलरी होती है और इसमें ट्यूबवेल लगाता है। अब इसमें पानी कहां से आता है? ये इस गैलरी को बनाया जाता है किसी पॉन्ड या किसी रिवर के पास बनाया जाता है, ताकि उसके अंदर से पानी रिस के है ना इसके अंदर भर जाए पानी, और बीच में सैंड लेयर्स होती है, वो एक तरह से फिल्टर का काम करती है, तो इसका पानी को फिल्टर करते करते वो इसके अंदर पानी आ जाता है, जिसको ट्यूबवेल से खींच लिया जाता है, ठीक है। ये होता है इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज। नेक्स्ट होता है अपना इन्फिल्ट्रेशन वेल्स। सेम प्रॉपर्टी, पर उसमें साइड में पॉन्ड होता है और इसमें अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एक जो ये अपना सरफेस है, ये अपना ग्राउंड लेवल है। अब ग्राउंड लेवल के नीचे अपने को एक वो बना देते हैं अपन, ये सैंड रिवर बेड है, इसके नीचे अपने एक वेल बना देते हैं, और अपना यहाँ पे वाटर टेबल है, तो ये वेल से यहां से यहाँ पे जो अपनी जो दीवारें हैं, ये मैसनरी की दीवारें हैं जिसके अंदर जॉइंट्स है जो ओपन है, मतलब पोरस दीवारें हैं ये, ठीक है। तो यहां से पानी रिस के इसमें इकट्ठा होता है, ठीक है, और इसमें इकट्ठा होकर वो जैक वेल में जाता है। अब जैक वेल क्या होता है? जैक वेल होता है एक वेल ही होता है, वो है ना, वो एक तरह से स्टोरेज यूनिट होती है। उसमें क्या होता है, ऐसी तीन चार मतलब इन्फिल्ट्रेशन वेल होता है ना, जैसे यहां से एक इन्फिल्ट्रेशन का वेल का पानी आ रहा है, यहां से वेल का पानी आ रहा है, यहां से वेल आ रहा है, यहां से वेल, वो सब जाके एक जैक वेल में कलेक्ट होंगे, और वहां से ट्यूबवेल में डाल के ट्यूबवेल का मतलब वहां पे ट्यूबवेल लगा के पानी खींच लेते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन वेल वो होता है जो अंडर वाटर जो टेबल होती है उसको, उसमें से पानी दे के जैकवेल में भेजता है, जैकवेल उसको निकालता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता अपना स्प्रिंग। अब स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग वो होता है जो अंडरग्राउंड वाटर जो है, वो अंडरग्राउंड वाटर जब उफान के अपने ऊपर आता है ना एकदम, मतलब गर्म पानी था उफान के जब ऊपर आता है वो, है ना, किसी प्रेशर की वजह से, जब अंडरग्राउंड वाटर किसी प्रेशर की वजह से ऊपर आता है ना, उसको स्प्रिंग्स कहते हैं। ये सोर्स ऑफ वाटर हो सकता है छोटे टाउन्स के लिए या हिली एरियाज के लिए हो सकता है, ये बड़े उसके लिए नहीं होता क्योंकि इसमें ज्यादा पानी इतना नहीं आता, ठीक है। ये इजियर होता है, इजियर ही बजाता है बनाने में भी, और ये फिर चीप भी होता है वो, ठीक है। लेकिन इसको आप है ना घर के यूज में, जैसे खाने या खाना खाने या मतलब खाना बनाने में या फिर पीने में आप इसको यूज नहीं, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में सल्फर होता है, ठीक है। अब ये गर्म रहता है, इसके बहुत मात्रा में सल्फर होता है। अपन कितने टाइप के होते हैं स्प्रिंग्स वो भी अपन देखेंगे। एक तो आर्टेरियल स्प्रिंग्स देखेंगे, फॉर्म्ड विद द प्रेजेंस ऑफ क्रैक इन इम्प्रीवियस लेयर। अब क्रैक इन इम्प्रीवियस लेयर का मतलब होता है कि ये है एक हमारी इम्प्रीवियस लेयर और ये हमारी इम्प्रीवियस लेयर, और बीच में हमारा एक्वीफायर है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर है। अब यहाँ पे बंद रहता है ये जो है ना, ये बंद रहता है। अब कोई क्रैक या तो प्रोड्यूस कर दिया, या मतलब किसी वही चीज से प्रोड्यूस कर दिया, या फिर इसको क्रैक नेचुरली मतलब भूकंप से या फिर किसी नेचुरल तरीके से क्रैक बन गया, तो यहाँ का जो पानी है वो प्रेशर से बाहर आता है तो वो स्प्रिंग बन जाता है, ठीक है। वो होता है अपना ये क्या है? और नेक्स्ट अपना आता है ग्रेविटी स्प्रिंग्स। ग्रेविटी स्प्रिंग्स को बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? मेन मेड ये होता है, क्या होता है कि हम एक ट्रेंच खोद देते हैं, वाटर टेबल यहाँ तक, एक माउंटेन मान लो उसकी वाटर टेबल इधर यहाँ तक की वाटर टेबल है, तो हम उस वाटर टेबल के नीचे एक ट्रेंच खोदेंगे, मतलब एक तरह से छोटा सा एक कुआं खोदेंगे, तो यहाँ से जो पानी है वो रिस रिस के इसके अंदर भर जाएगा, तो वो होता है अपना ग्रेविटी स्प्रिंग्स, अपन उसको कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ग्रेविटी के एक्शन की वजह से यहाँ पे फिल हो रहा है, ये अंडरग्राउंड वाटर होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है अपना सरफेस स्प्रिंग्स। अब सरफेस स्प्रिंग क्या होता है कि वहां पे हमने, यहाँ पे तो हमने खोद दिया, अब इधर खोदने की बजाय हमने इम्प्रीवियस ले के ऊपर एक एक है ना कट ऑफ वॉल बना दी, ऐसी वॉल बना दी जिससे पानी रिस के बाहर नहीं जा सके। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो सरफेस का जो वाटर होता है ना, जो अंडर वाटर होता है, वो यहां से रिस के निकलता है और इधर जमा हो जाता है, तो ये होता है अपना सरफेस स्प्रिंग। ये ग्रेविटी, ये भी ग्रेविटी, जबकि अपने वाटर लेवल है, अगर ये नहीं हो ना तो वो पूरा नीचे बह जाएगा, है ना, नीचे बह रहे को चीज को अपने बीच में डाटा लगा दिया तो उससे पानी अपना रुक गया, ठीक है, ये होती है। चौथा अपना होता है वेल्स। वेल्स ये होते हैं आर्टिफिशियल होर और पिट टू ग्राउंड फॉर द टैपिंग वाटर। ये होता है जैसे अपने नॉर्मली अपने गांव में या फिर हर जगह मिल जाता है, ये है ना, ये वेल्स भी होते हैं। और अपनी जो इंडिया की जो 75 से लेके 85 जो पॉपुलेशन होती है ना, वो डिपेंड करती है वेल वाटर पे, क्योंकि ये टैपेड वाटर होती है, पीने लायक पानी होता है ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने स्टोर वो सोर्स ऑफ वाटर हमने देखा, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई अपने देखा, वाटर सप्लाई का वाटर कहाँ कहाँ से हमको मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाएंगे, आज के लिए इतना ही। और ये डायग्राम्स को ध्यान रख लीजिए हर वीडियो में, जहाँ पे ये जैसे यहाँ पे हर पार्ट के अंदर जो वीडियो का जो डायग्राम है उसको पॉज करके उसको डायग्राम बना लेना, या फिर गूगल में भी आपको ये मिल सकता है। ये डायग्राम से ही चीज सारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, डायग्राम से समझ जाएगा कि आपको लिखना भी, अगर थ्योरी भी है तो लिखने में क्या क्या लिखना है, ठीक है। आज के लिए अपना इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।